कितना कमा लोगे तुम? 30,000, 50,000, बहुत भी हो गया तो 1,00,000। इस फील्ड में ना एक एक दिन में लाखों कमाओगी, एक एक दिन में। हाँ, याद कैसे रहता आपको? सारा ध्यान तो अम्मी की बहू तलाश करने पर लगा दिया आप। बको मत। अरे 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 नहीं नहीं अम्मी, आपको तो पता है इसकी आदत का, ये तो वैसे ही बोल रहा है। आप ही ख्वाबों पे कब किसी की चलती है, ये तो बस आंखों में बस जाते हैं और दिलो दिमाग पे डेरे जमा लेते हैं। सबसे पहले तो मैं तेरी वीडियो बनवाऊंगी, तू रुक जा। ये किधर मर गए मीडिया वाले? आए ला जी, किधर मर गए? जी आइए नाज़रीन, ये वो घर जहाँ पुलिस ने छापा मारा है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पुलिस ने लड़की की गिरफ्तार करी है। सर पुलिस भी आई थी, बताइए आप लोग ये सच है सब? बंद करें इसको, हटाएं कैमरा। आपके घर में सारी मेरे मदद से झूठ है, हटे यहाँ से। मैं बेवा औरत हूँ, ये मोहल्ले वालों की साजिश है, रहम करें मुझ पे। अरे भाई कोई साजिश नहीं है, मैं बताती हूँ। बुलाओ अपनी बेटी को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किधर है तुम्हारी बेटी, बुलाओ उसको। ये है शरीफ जादी, इसकी फोटो मेरे पुत्र के मोबाइल पे, जिसने हजारों लाखों रुपए लूटे हैं। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तू तो इधर आना जरा। छोड़ मेरी बेटी को, छोड़ मेरी बेटी को, छोड़ मेरी बेटी को, छोड़ 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 छोड़। मैं तुम दोनों को, आई बड़ी बड्डी ठहर जाओ जरा। जुबैदा आंटी आप प्लीज इन्हें भेजें, आप जो चाहेंगे मैं आपकी सारी बात सुनूंगी, आप प्लीज इनको भेजें प्लीज। पक्की बात है? मैं सुनूंगी, प्लीज इनको भेजें। चले भाई जाओ, मेहरबानी शुक्रिया, ये हमारा आपस का मामला है, जाओ। आंटी आप चाहती क्या हैं? मैं क्या चाहती हूँ? मेरे बेटे अनवर को और उसके दोस्तों को जो तुम लोगों ने थाने पे बंद करवाया ना, उसको छुड़वाओ, और जितना लाखों रुपए आप लोगों ने खाया ना, मुझे वापस चाहिए। नहीं तो मैं वो हाल करूंगी ना, पूरे मोहल्ले को लेके जुलूस इकट्ठा करूंगी ना, कि माँ बेटी का घर से निकलना मुहाल हो जाएगा। क्यों बहन? नहीं जुबैदा आपा, ऐसा नहीं चलेगा, इनको घर खाली करना पड़ेगा। क्यों मोहल्ले वालों? निकलो हमारे मोहल्ले से, निकलो खाली करो ये घर, निकलो निकलो खाली करो ये घर, निकलो निकलो खाली करो ये घर, निकलो खाली करो ये घर, निकलो। आराम से बैठो। हाय अम्मी, मैं मर गई, उन्होंने मुझे इतना मारा है, मुझे बहुत दर्द हो रही है। ये सब तेरी वजह से हुआ है, ये जो बाहर कयामत टूटी है ना, ये तेरी वजह से हुई है। कितना समझाया था कि उन लड़कों की बातों में आके उनके मकान या फ्लैट में नहीं जाना। थोड़ा खा ले बंदा, लेकिन इज्जत से खाए। इज्जत? कौन सी इज्जत? बाहर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है, नारे लगा रहे हैं कि घर खाली करो, और आप अब क्यों सालेहा को डांट रही हैं? ये तो उसी रास्ते पे चल रही थी ना जो आपने दिखाया है। सुने, आवाजें सुने बाहर, दुनिया का तो काम है नारे लगाना। मी आपने ये सोचा है कि इस घर में अब सालेहा के लिए रिश्ता कौन लाएगा? इस मासूम का क्या कसूर है? ये स्कूल कैसे जाएगी जब न्यूज पे चैनल पे ये सारी रिपोर्ट चलेगी और हम वायरल हो जाएंगे, जहां से गुजरेंगे लोग आवाजें कसेंगे। ये सब इस बेवकूफ की बेवकूफियों की वजह से। आप कहां से वापस करेंगी उन लड़कों के गिफ्ट, बर्गर, जिंगर वगैरह, जिसके बगैर इसकी भूख नहीं उतरती थी। अब तुम अपनी तकरीर बंद करोगी? हानिया मेरी बहन, एक पेन किलर ही दे दो। छोड़ूंगी नहीं मैं उन लड़कों को। जोया मेरा फोन लेके। बस कर दे अम्मी, शराफत से पुलिस स्टेशन जाएं और FIR वापस लें, और उन लड़कों को भी रिहा करवाएंगी। अम्मी हानिया ठीक कह रही है। अच्छा, अगर उन लड़कों ने बाहर आके बदला लिया तो? खुदा का नाम है अम्मी, आप प्लीज FIR वापस लें, कुछ भी नहीं होगा, वरना रोज का यही तमाशा होगा, पूरा मोहल्ला उनके साथ और हम अकेले। कमबख्तों ने इतना मारा, मेरे बाल तक नोच लिए सारे, अभी रिबॉन्डिंग करा के आई थी, सारा कुछ खराब कर दिया। ठीक कह रही हो तुम, फोन दो। वक्तों ने हाथ की हालत कर दी। जिसे भी फोन करना है करें, पर इस वाकये के बारे में जिक्र मत कीजिएगा।
हेलो जमाल, जरूरी काम था आपसे। देखा मामा आपने, आखिर आपके काम फातिमा आप ही आई ना। आलिया, तुम्हें पता है मेरा डॉक्टर कौन था? तुम्हारी दोस्त है ना नताशा, उसका भाई अदनान। Really? बहुत अच्छा डॉक्टर है, पर्सनालिटी भी शानदार। मामा आपने ऐसे इतना अच्छा रिश्ता फातिमा आप ही के लिए खत्म कर दिया। रोज रोज ऐसे रिश्ते थोड़ी मिलते हैं। आलिया मेरी बात मान लो बेटा, फातिमा को छोड़ो तुम अपने लिए। मामा प्लीज बेटा, उम्र में बड़ा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मामा मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसका रिश्ता पहले आप ही के लिए आया हो। आलिया प्लीज, अब ये बेवकूफों वाली बातें छोड़ दो तुम। मामा प्लीज, आइंदा के बाद आप अदनान भाई के साथ मेरा नाम मत लीजिएगा। अम्मी जूस लाई थी आपके लिए, रख दो। तबीयत कैसी है आपकी, ठीक है आप? ठीक हूँ। अच्छा फातिमा, तुम शरीफा के साथ मिलके जरा किचन संभालो। जी मैं जाती हूँ। क्या? अच्छा यहाँ कब तक लेटना पड़ेगा मुझे, मेरे कमरे तक तो ले जाओ। आप जूस पिए फिर। क्या जिद है तुम्हारी? इतनी जोर से बाजू खींचे कब्बख्त ने, पूरे बाजू में दर्द हो रहा है, हाथ ही सीधा नहीं हो रहा। मैं खिला देती हूँ। नहीं माजूर नहीं हुई मैं। सालिया ने खाया? उसका भी यही हाल है, जोया खिला रही है उसे। जोया का होमवर्क चेक कर लेना। अम्मी अब जोया स्कूल नहीं जाएगी। क्यों? FIR तो मैंने वापस ले लिया ना, वो लोग वापस भी चले गए, बात तो खत्म हो गई। बात तो अब शुरू हुई है अम्मी, हम बाहर कैसे निकलेंगे? जोया इतनी छोटी है, कितनी डरी हुई है आपको अंदाजा भी है। हम ये मोहल्ला छोड़ देते हैं। मोहल्ला छोड़ दें मतलब डर जाए? हमें डरना चाहिए अम्मी, आप प्लीज ये मोहल्ला छोड़ें, सालेहा की शादी करें। वैसे भी अब इस मोहल्ले में उसे कौन ब्याने आएगा, आपको अंदाजा भी है कि कितनी बदनामी हो गई है। कुत्तों के भौंकने से काफिले रास्ता नहीं बदलते। अगर बदनाम होने से बेहतर है कि हम कहीं डूब के मर जाएं। क्या मतलब है तुम्हारा, किसकी तरफ इशारा है तुम्हारा, कौन डूब के मर जाए, मैं या सालेहा? मेरा इशारा अपनी तरफ है, आप खाना खा लें। मुझे नहीं खाना, ले जाओ इसको। अम्मी खाना तो खा लें। मुझे नहीं खाना, ले जाओ इसको, उठो और इसको पकड़ो और ले जाओ। कहती तो ठीक ही है हानिया, सालेहा की शादी कर देनी चाहिए मुझे।
अस्सलाम वालेकुम, राहिल स्पीकिंग। हेलो, मुझे दानियाल भाई से बात करनी है। दानियाल भाई, वैसे आप उनकी कौन सी बहन बात कर रहे हैं? देखो ये सब फजूल बातें मत कर, दानियाल भाई को फोन दो, मैंने उनके लिए कॉल की है। ओ, आप आइसक्रीम लवर्स। मोहतरमा, वैसे अगर आपने दानियाल भाई से ही बात करनी होती ना, तो आपके हाथ में जो कार्ड है उस पर एक नंबर लिखा है, उस नंबर के ठीक पीछे दानियाल भाई का नाम बहुत वाजे लिखा है। तो आप ये बात मान लें कि आपको मुझे से बात करनी थी, दानियाल भाई तो सिर्फ एक बहाना है। अच्छा, बड़ी खुशफहमी है आपका अपने बारे में। खुशफहमी तो नहीं, लेकिन हाँ ये यकीन था कि आप कॉल जरूर करेंगे। अच्छा, इतना यकीन था आपको? जज्बात अगर सच्चे हों तो यकीन आ ही जाता है, और वैसे भी मैंने बहुत दिल से दुआ की थी कि मेरी आपसे एक दफा बात हो जाए। देखिए, मेरी दुआ भी कबूल हो गई। और वैसे ये नंबर तो आप ही का है ना? तो और क्या, पापा के नंबर से कॉल करूंगी। पापी, क्या कर रही हैं? देख नहीं रहा, खुद तो कोई काम करती नहीं हो तुम, सारे काम मेरे ऊपर डाले हुए हैं। सॉरी ना, मुझे कॉल करनी थी जरूरी। इतनी जरूरी कॉल किसकी थी? आइसक्रीम खाने चले? मेरी बात का जवाब तो तुमने दिया नहीं, अपने सवाल पूछ लो। आपकी बात का ही तो जवाब दे रही हूँ, आइसक्रीम खाने चले? पागल हो गई हो तुम, टाइम देखा है? अभी सिर्फ 9 बजे हैं और हम तो 12-1 बजे तक बाहर जाते हैं राफेल के साथ, और राफेल इस टाइम घर पे नहीं है, अब उसके बगैर कभी नहीं जाने देंगे। क्या मुसीबत है, राफेल को भी अभी जाना था। अच्छा ऐसा करें, आप मेरे साथ रूम में चलें, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं काम कर रही हूं। अभी नहीं, अभी नहीं, प्लीज। क्या हो गया, छोड़ो तो सही। चले ना। क्या कर रही थी? काम कर रही थी मैं, बैठ गई हूँ, अब बोलो। ऐसी क्या बात थी जो तुम वहां नहीं कर सकती हो? समझा करे ना, दीवारों के भी कान होते। आपी, मैं चाहती हूँ ना कि हम हमेशा साथ रहें, कभी जुदा ना हो। क्या कह रही हो तुम, ऐसे थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर हम दो भाइयों। क्या दो भाइयों, क्या कह रही हो तुम, मुझे नहीं समझ आ रही तुम्हारी। अच्छा एक बात बताए, आपको डॉक्टर अदनान पसंद है या वो दानियाल भाई? ओ, ये कह रही हो तुम, बात तो मुझे तुम्हारी समझ आ गई है, लेकिन हाँ तो बताए ना। क्या बताऊं मैं इन बातों के बारे में नहीं सोच रही। ये क्या बात हुई? तुमने सुना तो था अम्मी क्या कह रही थी डॉक्टर अदनान के बारे में, मैं क्या कहूं अब? तो क्या आप अदनान भाई? नहीं। तो दानियाल? नहीं, काम है मुझे, मैं जा रही हूं। नहीं, मेरी बात सुन, सुनने चुप करो तुम। क्या बात हुई? दानियाल बेटा, वो जो डिजाइन भिजवाए थे यूई, उनका कोई रिस्पांस आया? हाँ जी अबू, रिस्पांस तो उनका आया है, मगर उसमें से खाली 2 डिजाइन सिलेक्ट हुए हैं। ये क्या बात हुई? अच्छा तुमने वो नए डिजाइनर के लिए ऐड तो दे दिया है ना? हाँ जी अबू, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंटरव्यूज भी हो जाएंगे। गुड अबू, प्लीज एटलीस्ट घर पे तो बिजनेस की बात मत किया करें आप लोग, प्लीज। कैसे ना करूं बेटा, तुम दोनों के फ्यूचर का सवाल है। हाँ तो अबू, मैं भी यही कह रहा था कि अब हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचे ना। क्यों बेटा,
तुम्हें शक है कि मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन अबू मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। अब नहीं अबू, बस इसका मतलब ये है कि इसकी अब शादी कर दी जाए। बेटा तुम कद में जरूर बड़े हो गए हो, लेकिन अभी इतने बड़े नहीं हुए कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओ। ले, इतनी सी बात, ये देखें, अपने पैरों पर ही तो खड़ा हूं मैं। लगता है मेरे बेटे को कोई पसंद आ गई है। अगर ऐसा है भी तो भी सब्र करो, दिल के दिल में रखो। पहले बड़े भाई की शादी होगी, उसके बाद तुम्हारी। लेकिन अब ऐसे ही होता है और ऐसे ही होगा। फिर तो बेटे तुम इंतजार करो। वो आप इन्हें एक पोस्ट कर दिया, देखना। मैं कहता हूँ आप रिविजिट करें इसे। अच्छा, वाह तेरी मासूम बेटी, माँ को तो देखो कैसी चमक चलो बनी फिरती है। बुलाओ पुलिस को। मैं तो पूरा मीडिया साथ लेके आई हूँ। इसका घर नहीं बदकिरदारी का अड्डा पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया में चर्चे होंगे। पापी, सोया, तुम्हें तो मैं सुला कर आई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग दोबारा तो नहीं आ जाएंगे? कोई भी नहीं आएगा, तुम बस दुआ करो जो आज हुआ है वो दोबारा मत हो। औरतों ने सबको बहुत मारा है, मुझे लगा कि वो मुझे भी मारने आ रहे हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें जाना चाहिए यहाँ से। तुम रिलैक्स रहो जोया, तुमने इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना, मुझे ट्रस्ट करो, मैं सब ठीक करूंगी। वो जो आंटी चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा, उनकी बेटी मेरी क्लास में पढ़ती है, दुआ नाम है उसका। वो बहुत चलाक लड़की है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती दोबारा। तुम स्कूल मत जाना, मैं तुम्हारा एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करवाऊँगी। खूब पढ़ना, तुम बहुत अच्छी इंसान बनना, ताकि सब तुम्हारी इज्जत करें। जी ओके। चलो उठो, सोचो। अचमत, जवान लड़की का मामला है, इसलिए मैंने डॉक्टर रत्नान और उनकी फैमिली को घर डिनर पे इनवाइट किया, ताकि उस दिन जो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी है वो दूर हो जाए। बुला लो, लेकिन तुम डॉक्टर इत्नान के साथ आलिया के मुतल्लिक कोई बात नहीं करोगी। वैसे भी आलिया भी ना कर चुकी है। लेकिन वो तो बेवकूफ है ना, उसे अपने अच्छे बुरे की कहां तमीज, ये समझना तो हमारा काम है। तो फिर फातिमा के बारे में कौन सोचेगा? अगर किसी की शादी होगी तो पहले फातिमा की होगी, फिर किसी और की। और अगर ऐसी बात है ना तो किसी को खाने पे बुलाने की जरूरत नहीं है घर। क्या हो गया है आपको? अब ये भी मेरी जिम्मेदारी? कहाँ है उसके माँ बाप, पराई बेटी? मामा, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन पराई बेटी है? अरे बेटा, हम तो किसी और के बारे में बात कर रहे थे।
क्यों तहमीना? हाँ आलिया, तुम खामखा परेशान हो रही हो बेटा। इधर आओ बैठो। फिर आप दोनों क्या बात कर रहे थे? वो मैं तुम्हारे बाबा को बता रही थी कि डॉक्टर अदनान ने हॉस्पिटल में मेरी कितनी अच्छी केयर की है। की होगी, पर मामा मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे लिए डॉक्टर अदनान के बारे में मत सोच। बेटा तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, तुम परेशान मत हो। बाबा ये तो खुद गर्जी हुई ना कि जो कुछ आप ही के लिए चाहा हो वो मुझे दे दिया जाए। देखा मेरी बेटी कितनी समझदार। जाओ तुम आराम करो। एक बात तुम समझ लो तहमीना, अगर मेरे बच्चों के दिलों में एक दूसरे के लिए फर्क आया ना तो फिर हमारे रिश्ते में भी फर्क आएगा। आई एम सॉरी, मैं अदनान की अम्मी से आलिया की कोई बात नहीं करूंगी। मेरे लिए तो कयामत होती तो ये सब सुन लेती। ये सब क्या हो रहा है? बाबा पे ऐसी कौन सी कयामत टूटने वाली थी? पागल लड़की, यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज राफेल, बिल्कुल भी जोक के मूड में नहीं हूँ। आर यू सीरियस? हाँ। ऐसा क्या हो गया तुम जैसी लड़की भी फिक्रमंद होने लग गई? मुझे नहीं पता। अगर मालूम नहीं है तो फिर फिक्रमंद क्यों हो? राफेल, बाबा और मामा के दरमियान ऐसी कोई बात जरूर है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। पागल हो, पापा की कार्ड का नंबर तो मुझे पता है, और क्या छुपाएंगे वो उनसे? मुझे नहीं मालूम। आइंस्टाइन बनना छोड़ दो, चलो जाके सो जाओ। और तुम कहाँ थे अब तक? एग्जाम्स करीब हैं, दोस्त की तरफ पढ़ने गया हुआ था, चलो जाके सो जाओ। अम्मी बहुत दर्द हो रही है अभी तक। चाय पियो। मेरे से उठा भी नहीं जा रहा। अम्मी मुझे लगता है कि अब हमें ये मोहल्ला छोड़ के हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। तुम्हारी तो मैं शादी कराऊंगी, अब और तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। 100 बिस्मिल्ला कराएं मेरी शादी आप अम्मी, लेकिन मेरी एक बात सुन लें, मैं किसी कंगले नंगे या भूखे से शादी नहीं करने वाली। तो मैं तुम्हारी किसी कंगले भूखे नंगे आदमी से शादी कराने भी नहीं वाली। देखभाल के शादी करूंगी कोई मालदार शख्स, बगैर पैसे वाले इंसान के साथ भी कोई जिंदगी है। मैं नहीं चाहती कि तुम भी वैसी जिंदगी गुजारो जैसी मैंने तुम्हारे बाप के साथ गुजारी। एक बात कहूँ सौलिया, जमाल साहब अच्छे खासे पैसे वाले आदमी हैं, औलाद भी कोई नहीं उनकी। अम्मी बस, मैं उन उम्र रसीदा बंदे से शादी नहीं करना चाहती। पागल, मर्द की जेब देखनी चाहिए, उम्र नहीं।
आपने देखी थी क्या अब्बू की जेब उनसे शादी करते वक्त? हम मजल से हैं दिल पे मेहरबान, दिल हमारा दिल, दिल हमारी जान, दुश्मनी दिल से हम कैसे करें, जो भी चाहे दिल हम वो ही करें, मांगे चांद ये सारा आसमां, रास्तों में हो सिर्फ कहकशां, मन न मेरी क्या करूं बता, अगर तुझे खबर है तो बता, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना सालिया, बहुत लंबी कहानी है, फिर सुनाऊंगी। बस तुम ये समझ लो कि आज मैं और तुम जिस हालत में है ना, तुम्हारे अब्बू इसके जिम्मेदार हैं। तुम बिस्किट खाओ, मैं तुम्हारी दवाई लेके आती हूँ। अंबर, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा कि मैं नहीं आ सकती? नहीं, मुझे पता है कि टेस्ट इम्पोर्टेंट है, बट प्लीज, नहीं, मैं, आई डोंट नो, आई कांट कम, आई एम सॉरी, मैं, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। खुदा हाफिज। किसका फोन था? अंबर का फोन था, वो कह रही है कि यूनिवर्सिटी आना बहुत ज़रूरी है और टीचर ने भी कहा है कि आओ। तो क्या मसला है, चलिए जाओ। मुझे घर से निकलने से डर लगता है। अब तो बात पुरानी हो गई ना, जो होना था हो गया। लोगों के दिमाग से तो नहीं गई होगी वो बात, इतनी जल्दी कौन बोलता है? तुम सही कह रही हो, हमें बहुत जल्दी मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा। और सालिया की शादी के बारे में बहुत सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। शुक्र है आपको ख्याल तो आया। अच्छा, मैं जाती हूँ, मैंने सारा काम कर दिया। आप प्लीज़ जोया को कोई काम मत कहिएगा, वो बहुत परेशान है। मैं दुश्मन हूँ जोया की, मुझे क्यों समझा रही? मैं आज एक नए स्कूल जोया के एडमिशन की बात करके आई हूँ,
वो किसी भी सूरत पुराने स्कूल जाना नहीं चाहती, बहुत सहमी हुई है। उसको तुमने बहुत सहमा दिया है। जब से जैद का इंतकाल हुआ है तब से इसने परपुर्जे निकाले हैं सारा ने। ये तो हमेशा से ही ऐसी थी, बड़ा नाज था इसे अपनी खूबसूरती पर। सालन रोटी तो इनका आता ही बाहर से था, ये तो घर पे टिकती ही कब थी, चाय तक इनकी होटल से आती थी। वो देखो आ रही है छोटी शरीफजादी। ये तो कुछ ठीक है, खाक ठीक है, जैसी माँ वैसी बेटियां। खूबसूरती तो दामन भर भर कर मिली पर किरदार पर कीचड़ लगी हुई। खाला आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की के किरदार पे इस तरह कीचड़ उछालते हुए? जानती हूँ मैं तुम लोगों का किरदार, जो तुम माँ बेटी का है। कल दरवाजे के ऊपर मजमा लगा हुआ था, पुलिस आई भी थी और चैनल वाले भी खड़े हुए थे। ये शरीफों का मोहल्ला है बीबी, तुम्हारी वजह से गंदा हो गया। मेरा बस चले तो इनका सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दूं। हमारी भी जवान बेटियां हैं, क्या असर पड़ेगा उनका ससुराल पर जब उन्हें पता चलेगा ऐसी बदनाम औरतें इस मोहल्ले में रहती हैं। मैं हानिया को अपनी बहू बनाना चाहती थी मगर मैंने इनकी असलियत देख ली, इनकी असलियत सामने आ गई। मेरा बस चले तो इनका सामान उठाकर घर से बाहर फेंक। हमारी भी जवान बेटियां हैं, क्या असर पड़ेगा उनका ससुराल पर जब उन्हें पता चलेगा ऐसी बदनाम औरतें इस मोहल्ले में रहती हैं। हेलो, ये क्या बदतमीजी है? दफा हो वरना शोर मचाऊंगी मैं। कौन आएगा तुम्हारी आवाज पर? शोर मचाओ मचाओ शोर। तुम दोनों के घर बहने नहीं है? हटो मेरे रास्ते से। अरे रास्ता देने के लिए थोड़ी रोका है। अरे कुछ नहीं बहन है हमारी, मजाक कर रहे हो? अरे छेड़ नहीं रहे, मजाक कर रहे हैं यार, क्या हो गया? अरे छोड़ जल्द। आप एक मर्तबा आए तो सही, मैं बताती हूँ मैंने FIR क्यों वापस ली। अम्मी उनको बोले ना कि 2 किलो चिकन भी ले आए, हम बिरयानी बनाएंगे रात को। बस क्या करें, घर में कैद होके रह गए, ना कोई गोश्त है ना सब्जी है, पकाने तक को कुछ नहीं। जल्दी आना। ओके अल्लाह हाफिज। हानिया क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? हानिया फूटो ना मुंह से, क्या हुआ? हानिया अपनी रोई तो मत। उठो तुम, गली से निकलकर बस स्टॉप तक जाओ, तुम्हें पता चलेगा क्या हुआ। अम्मी औरतों ने मुझे जलील कर दिया आज गली में, और लड़कों ने मेरा हाथ तक पकड़ लिया। क्या तो थप्पड़ मारना था ना मुंह पे, कुछ कहना था आगे से? चुप कर जाओ तुम, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। हम इस मोहल्ले में नहीं रह सकते अम्मी, आप प्लीज प्लीज ये घर छोड़ दें। हानिया अभी इस वक्त हम कहां जाएंगे, खुद सोचो। कहीं भी जाए, यहाँ नहीं रह सकते, सालिहा ने हमें यहाँ रहने के काबिल नहीं छोड़ा। हानिया जा जाके पूछो, मैंने नहीं पूछना। वैसे आप हमेशा इतनी खामोश रहती हैं। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या आपके कोई दोस्त वगैरह नहीं है? है ना, बस
कभी कभी इंसान का दिल करता है कि वो अकेला बैठे खुद से बातें करे, यू नो। वैसे जो लोग अपने आप से बातें करते हैं वो तन्हाई पसंद होते हैं। पर मैं तन्हा कहाँ हूँ, आप हैं ना मेरे। चलें अच्छा है, इस बहाने आपने मेरे वजूद का एहसास तो किया। वैसे मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो खुद से बातें करते हैं, तन्हाई में रहना पसंद करते हैं। अपनी पर्सनालिटी को टटोलने का काफी मौका मिलता है उन्हें। हाँ, मुझे भी लगता है काफी जरूरी है, इंसान को अपनी वैल्यूज का अंदाजा रहता है। Very true. वैसे हम लोग काफी सीरियस टॉपिक पे बात नहीं करना शुरू हो गए। हाँ, you're right. ऐसा करते हैं, आप मुझसे मेरा स्टार पूछो, या मुझसे पूछो मेरा फेवरेट कलर क्या है, या मुझे खाने में क्या पसंद है, और फिर एंड पे आप कहना कि सेम, मुझे भी यही सब पसंद है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। हाँ, बस कभी कभी जोक्स भी मार लेते हैं।